हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और टॉपिक पे जो कि पीएसआईआर ऑप्शनल फॉर बिहार मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये कंसर्न करता है आपके इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के पार्ट के साथ पर्टिकुलरली सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया के साथ और ये है द तो वेरी इंपॉर्टेंट बिहार स्टूडेंट्स मूवमेंट गुण या फिर द जेपी मूवमेंट जो कि इंडिया के एज वेल एज बिहार के डेमोक्रेटिक हिस्ट्री के लिए एक वाटर शेड मूवमेंट थी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट थी लाइक वेरी इंपॉर्टेंटली बिफोर वी नो अबाउट दिस मूवमेंट हमें ये जानना ज़रूरी है कि जयप्रकाश नारायण जी की आइडियोलॉजी क्या थी एंड ये स्पेशली बहुत ज़रूरी हो जाता है क्यों 11 अक्टूबर 2022 इनकी वन ट्वेंटी बर्थ एनिवर्सरी भी थी साथ ही में इसी को कमेमोरेट करने के लिए इनकी जो बर्थ प्लेस है वहाँ पे नियरली एक पंद्रह फुट का स्टैचू भी जो है इनोग्रेट किया गया फॉर लोक नायक जयप्रकाश नारायण ठीक है अब इनकी जो लाइफ है और इनकी जो आइडियोलॉजी है आइडियाज़ हैं उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस भी आए थे अब जयप्रकाश नारायणन या जिनको हम जेपी भी बुलाते थे एक बहुत ही छोटे गांव से आए थे बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट से राइट वेरी इम्पोटेंटली इनका गांव जो है बहुत ही ज़्यादा फ्लड प्रोन भी था इन्होंने कॉलेज छोड़ के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है ज्वाइन की एंड इवेंचुअली ये पढ़ा पढ़ने के लिए गए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में और बर्कले में जाके ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुन्स हुए मार्क्सिस्ट थिंकिंग से एंड इसीलिए मार्क्स जो है एंड मार्क्सिस्ट थॉट जो है इनका पहला रुझान था राइट right? तो बेसिकली जे पी जो है नाइनटीन ट्वेंटी नाइन में जब आते हैं ही वॉज वेरी वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाई मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट थॉट एंड इसी कारण ही ऑल्सो बिकेम वन ऑफ द फाउंडिंग मेम्बर्स ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इवेंचुअली इन्होंने कांग्रेस को छोड़ के अपनी खुद की एक सोशलिस्ट पार्टी बनाई जो कि जेबी कृपलानी की मजदूर पार्टी के साथ मिलके इवेंचुअली प्रजा पार्टी बन गई थी अब जेपी ने गिवन हिज मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट थॉट उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन होती हुई देखी रशियन सोसाइटी में सिंतर लेट नाइनटीन बिकॉज हमें पता है 1917 में रशियन रेवोल्यूशन आ गई थी जिसके कारण उनका जो आउटलुक था टुवर्ड्स मार्क्सिज्म एंड सोशलिज्म एंड द इंटायर आइडिया ऑफ डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म वो बदल गया अब जेपी ने बात की कि जब भी हम देखते हैं रेवोल्यूशन को तो जो मीन्स ऑफ द रेवोल्यूशन एंड द एंड विच इज़ द फ्यूचर इम्पैक्ट एंड द काइंड ऑफ सोसाइटी जो कि बन के आती है उसके अंदर एक बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है ये दोनों एक दूसरे के साथ जुदा नहीं है तो इसीलिए इनका मानना था कि अगर कोई भी पैटर्न ऑफ रेवोल्यूशन वायलेंस पे बेस्ड है तो फ्यूचर में दिस विल नॉट लीड टू द इम्पावरमेंट ऑफ पीपल एट ग्रास रूट लेवल इनफैक्ट इन्होंने कहा दैट सोवियत रेवोल्यूशन को जब हम देखते हैं तो इसके दो पार्ट हैं पहला पार्ट है डिस्ट्रॉय करना पुराने ऑर्डर ऑफ सोसाइटी को राइट जो कि फ्यूडल या कैपिटलिस्ट है एंड सेकेंडली कंस्ट्रक्ट करना एक नए इगैलिटेरियन ऑर्डर ऑफ सोसाइटी को अब ये कहते हैं जब भी एक वायलेंट रेवोल्यूशन होती है अगर ये सक्सेसफुल हो तो सक्सेसफुल कब मानी जाती है अगर ये डिस्ट्रॉय कर दे टी इंटायर लिविंग एंटिटी ऑफ द ओल्ड ऑर्डर तो जड़ से जो है ओल्ड ऑर्डर को ये मिटा दे जो कि एक ग्रेट अचीवमेंट मानी जाएगी बट दिस इज नॉट ऑल दिस इज असरी कंडीशन इट्स नॉट अफिशेंट वन ये कहते हैं अब जब भी ऐसे रेवोल्यूशनरी आइडियाज पनप रहे होते हैं तो एक वाइड स्प्रेड ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस जो है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज वायलेंस दोनों ही चल रही होती है स्पेसिफिकली अनऑर्गेनाइज वायलेंस जो है मासेस के बीच में चल रही होती है ओल्ड पावर स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक बार लेकिन जब ओल्ड पावर स्ट्रक्चर सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय हो जाए तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है अनऑर्गेनाइज मास वायलेंस को रोकना एंड देन उसके थ्रू एक ऑर्गेनाइज मीन ऑफ वायलेंस बनाना जो कि आपका स्टेट अंडर द डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरियट रूल करता है क्यों काउंटर रेवोल्यूशन से बचाने के लिए द न्यू ऑर्डर को ठीक है तो इसीलिए अब जो लोग या जो फैक्शन इस नए ऑर्गेनाइज इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर को कंट्रोल करता है वो अब नए रूलर्स बन जाते हैं ठीक है तो इनका क्या मानना था कि रेवोल्यूशन के बाद भी लोगों के हाथ में पावर नहीं आई बट अब ये जो रूलिंग पार्टी निकल के आई जो कि अब ये नए मीन्स ऑफ रेवल्यू नए मीन्स ऑफ वायलेंस को कंट्रोल कर रहे हैं वो नए मास्टर्स बन जाएंगे रिप्लेसिंग दी ओल्ड मास्टर्स जो कि फ्यूडल लॉर्ड या कैपिटलिस्ट हो सकते हैं तो जेन्युइन डेमोक्रेसी तो आई ही नहीं जेन्युइन ग्रास रूट्स पे तो लोगों के पास पावर पहुंची ही नहीं तो ये जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा लगा उन्हें सोशलिज्म एंड मार्क्सिज्म के साथ साथ ही में इनको इवेंचुअली बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गए ये इवन ऑफ डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म एंड क्या ये जेन्युइन ह्यूमन डेवलपमेंट को इंश्योर कर सकता है या नहीं eventually as he returned to india he wapas i gandhian fold mein and therefore against this idea of dialectical materialism inhone aage rakha apna khud ka ek concept and this concept was of total revolution इनका मानना था एक नव निर्माण समाज की एक नव निर्माण के लिए हमें total revolution की जरूरत है और ये सिर्फ पॉलिटिकल revolution नहीं बल्कि एक होलिस्टिक रेवोल्यूशन होगा इस टोटल रेवोल्यूशन को इन्होंने पहली बार कॉइन किया 1969 में ब्रिटेन की मशहूर मैगजीन टाइम के अंदर इन्होंने वेरी इंपॉर्टेंटली गांधीयन कॉन्सेप्ट्स ऑफ नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह को अडॉप्ट किया और इन्होंने कहा कि ये गांधीयन कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए नहीं है बल्कि ये खुद एक रेवोल्यूशनरी फिलॉसफी हैं एक ऐसी रेवोल्यूशनरी फिलोसफी जो कि सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिटिकल या सोशल इंस्टीट्यूशंस में चेंज नहीं लाना चाहती बल्कि आपके पर्सनल सोशल मोरालिटी एंड एथिक्स जो हैं, उनके अंदर भी एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश करती है अब इसी टोटल रेवोल्यूशन के अंदर उन्होंने कहा दैट दिस आइडिया इज अ कॉन्फ्लुएंस एक मिश्रण है इंक्लूडिंग रेवोल्यूशन इकोनॉमिक रेवोल्यूशन पोलिटिकल रेवोल्यूशन कल्चरल रेवोल्यूशन आइडियोलॉजिकल रेवोल्यूशन जो कि इंटेलेक्चुअल भी है साथ में साथ ही में एडुकेश इंटेलेक्चुअल एंड साथ ही में आपकी स्पिरिचुअल ठीक है तो इन सात चीज़ों के साथ एक्सक्यूज <laughs> मी आपका टोटल रेवोल्यूशन बन गया ना जेपी पी हाउ है वो बहुत रिजिड नहीं थे इन टर्म्स ऑफ नंबर राइट ये कहते हैं अब मैं आपको समझाने के लिए सात रेवोल्यूशन बोल रहा हूँ ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं छः सात पाँच डिपेंड्स ऑन द सोशल स्ट्रक्चर फॉर एग्जाम्पल कई जगह पे आप आइडियोलॉजिकल एंड एडुकेशन रेवोल्यूशन को कम्बाइन कर सकते हो राइट तो एक वो बन गई या फिर इकोनॉमिक रेवोल्यूशन को सिर्फ सर्टन सोसाइटीज इट कैन बी स्प्लिट इन टू सब पार्ट्स ऑल्सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन राइट तो इसीलिए ये नंबर वेरी कर सकता है बट बेसिकली मुद्दा क्या है कि आपने ऑलराउंड होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है उसके ऊपर फोकस डालना है साथ ही में जैसे कि अब हम स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन uh, जो है उसको मॉरल या एथिकल रेवोल्यूशन का भी uh, जो है सब पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं या फिर कल्चरल रेवोल्यूशन के अंदर ही जो है इसको हम इनग्रेड कर सकते हैं ना जेपी की जो टोटल रेवोल्यूशन थी इसके अंदर डेवलपमेंट जो है गेट ही टू वर्ड्स एम्पावरिंग ऑल द मार्जिनलाइज एंड वीकर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन इंक्लूडिंग पेजेंट्स वर्कर्स दलित्स ट्राइबल पीपल एट्सेट्रा साथ ही में इनका मानना था कि डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है जो कि अब इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी तक सीमित रह गया है दिस इज नॉट इनफ ही वॉन्टेड टू स्ट्रेंथन दिस एंड इसको ये और ज्यादा पार्टिसिपेटरी बनाना चाहते थे हर लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग पे राइट जो रिप्रेजेंटेटिव से ये और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बनाना चाहते थे तो वही गांधीन आइडियल्स ऑफ ग्रास रूट डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना चाहते थे साथ ही में इनका मानना था कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की अकाउंटेबिलिटी जो है सिर्फ वन वन इन फाइव इयर्स तक लिमिटेड नहीं होनी चाहिए बल्कि कॉन्स्टेंटली एंड कंटिन्यूसली अकाउंटेबल होने चाहिए लोगों के लिए एंड इसी के लिए इन्होंने इस पाउस की इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी ताकि करप्शन ब्लैक मनी इन सब का यूज इन इलेक्टोरल प्रोसेस जो है ये कर्ब किया जा सके साथ ही में एक मेजर इशू जो कि जेपी को था वाज विद द ग्रोथ ऑफ करप्शन इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम राइट सो इवन हमारा जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का कैंपेन था राइट दैट इज समथिंग जो कि जेपी पहले ही इसके बारे में बात कर चुके थे राइट right? और ये बहुत ही प्रैग्मेटिक बात करते हैं ये कहते हैं मुझे पता है कि जो पॉलिटिक्स है कोई सेंट्स के लिए नहीं है बट एटलीस्ट डेमोक्रेसी में लोगों को अपनी हद अपनी लिमिट पता होनी चाहिए और उस लिमिट को लोगों को क्रॉस नहीं करना चाहिए एंड दैट इज वाई गिविन दर इशूज बढ़ते जा रहे थे ऑनवर्ड्स इंडिया में जेपी ने आगे रखा पार्लियामेंट में उनका पीपल्स चार्टर ऑन द ऑफ मार्च दिक्कस और इन्होंने पॉइंट आउट किया कि किस तरह से करप्शन जो हमारे वाइटल्स है पॉलिटिकल लाइफ के उसको खा रही है जिसके कारण डेवलपमेंट इज़ बीइंग डैमेज्ड एडमिनिस्ट्रेशन अंडरमाइन हो रही है एंड जितने लॉज एंड रेगुलेशन हैं उनका एक मजाक बन के रह गया है बिकॉज ऑफ विच लोग अपनी फेथ एंड पेशेंस लूज कर रहे हैं इन द इंडियन डेमोक्रेसी जेपी इसके अलावा अब एक ऑल्टरनेटिव बताते हैं ये चाहते थे कि एक नेटवर्क ऑफ पीपल्स कमिटीज बने जो कि ग्रास रूट लेवल पे इस्टिश किया जाए लोगों के प्रॉब्लम्स को समझने के लिए एंड एक कंटेक्सचलाइज लोकल लेवल बेस्ड डेवलपमेंट प्लान ऑफर करने के लिए साथ ही में ये चाहते थे कि इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर जो है वो लोगों के हाथ में हो ना कि पोलिटिकल लीडर्स के हाथ में इसी डायरेक्शन में इकोनॉमिक प्रोग्राम के ऊपर बात करते हुए इनका मानना था कि गांधीयन फ्रेमवर्क बेस्ट फ्रेमवर्क होगा इंडिया के लिए जो कि एम्फोसाइज करे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पे इक्विटेबल लैंड ओनरशिप इंश्योर करे अप्रोप्रियट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करे एग्रीकल्चर के लिए जैसे कि इंप्रूव लेबर स्किल्स इंटेंसिव टूल्स गैजेट्स एंड साथ ही में डोमेस्टिक रूरल एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हों जो कि इंडिया की लेबर रिक्वायरमेंट को भी सूट करें एंड अनएम्प्लॉयमेंट को भी कब कर पाए इसके अलावा जेपी ने अडॉप्ट किया अपने प्रोग्राम में दी आइडिया ऑफ अंत्योदय राइट अंत्योदया जो है अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था विच मीन्स कि आपने जो सबसे वीकेस्ट आदमी जो लास्ट मैन जो है उसकी अपलिफ्टमेंट इंश्योर करनी है और वो कहते हैं ट्रू सोशलिज्म इसी अंत्योदय से जुड़ा है राइट यही अंत्योदय अगेन गांधी के आइडिया से जो है इंस्पायर था राइट टू वर्क देफो उन्होंने एक इंटेग्रल पार्ट बनाया अपनी टोटल रेवोल्यूशन का जहां पर उन्होंने बोला कि एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल तो करनी जरूरी ही है हर इंसान को ये लाइवलीहुड का मीन्स देने के लिए जे पी साथ ही में बहुत ही ज्यादा फोकस करते थे सोशल रिफॉर्म्स पर भी इंक्लूडिंग एलिमिनेशन ऑफ डाउरी सिस्टम डेवलप करना कंडीशन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ दलित हरीजन्स अबॉलिश करना कास्ट सिस्टम को एंड सो ऑन साथ ही में अपने आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट भी उन्होंने डेवलप किया 1977 में जहां पे इनका कॉन्सेप्ट अगेन गांधी राम राज्य से काफी मिलता जुलता था इन्होंने कहा कि इनका आइडिया ऑफ एन आइडियल स्टेट एक ऐसी कम्युनिटी है जिसमें हर इंडिविजुअल हर रिसोर्स जो है डेडिकेटेड है टू सर्विंग यही अंत्योदय द लास्ट मैन द वीकेस्ट पॉसिबल लिंक इन द कम्युनिटी ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो कि मटेरियलिज्म पे नहीं बल्कि अपनी ह्यूमैनिटी को वैल्यू करती है और यहाँ पे हर इंडिविजुअल के पास अधिकार है अपने कॉन्शियंस के हिसाब से चलना जिसको रिस्पेक्ट एंड किया जाएगा बाकी कम्युनिटी मेंबर्स द्वारा भी अब जब हम ये जेपी मूवमेंट एंड जेपी आइडियाज की बात करते हैं तो काफी ज्यादा इनका क्रिटिसिज्म भी हुआ था बट इनके क्रिटिसिज्म को समझने से पहले हम जान लेते हैं कि इस मूवमेंट ने क्या शेप लिया था बिहार में और क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंस हुए थे तो चलिए देखते हैं इसी का टाइम अब 1960s onwards ही इंडिया के अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल बढ़ चढ़ के आगे निकल रही थी एंड इस दौरान वर्ल्ड ने विटनेस किया द राइज ऑफ अ न्यू आइडिया जस्ट ऑन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी

1971 बांग्लादेश वॉर के कारण इंडिया के रिसोर्सेज के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर बना हाउएवर इसके अलावा देयर हैड आल्सो बीन अ फेल्ड मॉनसून 1972 से 73 में साथ ही में 1973 के अंदर आया था एक मेजर ऑयल जब ओपेक की कंट्रीज ने लेड बाय सऊदी अरेबिया एक ऑयल एम्बागो लगा दिया था तो ऑब्वियसली डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया हैड टू सफर एज़ वेल क्योंकि चार फोल्ड हो गए थे जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस थे इसके कारण बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल अनरेस्ट स्ट्राइक्स हर चीज़ चली इंक्लूडिंग ऑल इंडिया रेलवे स्ट्राइक ऑफ मे 1974 इन्फ्लेशन प्राइसेस ऑफ गुड्स एवरीथिंग वाज़ एट एन ऑल टाइम हाई राइट जिसके कारण इंपैक्ट आया इंडिया में भी अब इसके कारण लॉ एंड ऑर्डर की भी फेलियर्स होने लगे बिकॉज़ देयर वर मैसिव स्ट्राइक्स स्टूडेंट प्रोटेस्ट घेराव जो कि 1974 टू 75 के पीरियड के अंदर आकर किए दिस आल्सो लेड टू पॉलिटिकल टर्मिन पहले ही कांग्रेस जो है काफी ज्यादा सफर कर रही थी 1970s ऑनवर्ड्स ही इंदिरा गांधी और इनके स्टाइल ऑफ रूलिंग के कारण काफ़ी ज़्यादा लोग डिस हो रहे थे 1971 सेवेंटी की बांग्लादेश वॉर ने एक इम्पेक्टिस जो जरूर प्रोवाइड किया इनके स्टेचर को हाउएवर उसके बाद से डिक्लाइनिंग इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज को लेके इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट दोबारा जो है प्रोटेस्ट एजिटेशन काफ़ी ज्यादा बढ़ने लगे जहां पे लोगों को लग रहा था कि करप्शन भी एक मेजर रीजन है जिसके कारण लोगों तक भलाई नहीं पहुंच पा रही अब वर ऑल्सो ग्रोइंग डिटैचमेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ थ्री मेजर सोशल ग्रुप पहली चीज मिडिल क्लास और ये निकल आया? Prices, के आया ड्यू टू राइज इन प्राइस फूड प्रोडक्ट के नॉर्मल गुड्स के एंड इवन द रिच क्लासेज इंक्लूडिंग रिच प्रजेंस ये भी इनसे डिसल्यूजन थे बिकॉज इनको डर लग रहा था ऑफ द इमेंडिंग लैंड रिफॉर्मस जो कि इंदिरा गांधी जी थ्रेटन करते रहते थे लास्ट बट नॉट द लीज कैपिटल एज वेल गा इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के अंदर हमें पता है फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट के तहत सोशलिज्म जो है पार्ट बना दिया गया प्रीएम्बल का साथ ही साथ में नेशनलाइजेशन ऑफ बैंकिंग कोल माइनिंग इंडस्ट्री इन सब इश्यूज के कारण इंडिजिनियस कैपिटलिस्ट को डर था कि कहीं इंडिया और भी एक स्टॉन्च सोशलिस्ट कंट्री ना बन जाए इसी के कारण जेपी मूवमेंट का जो है राइज हुआ अब इसकी शुरुआत हुई गुजरात में जब स्टूडेंट्स इन गुजरात स्टार्ट डिमॉन्स्ट्रेटिंग इन लेट 1973 इन अ रिस्पांस टू माउंटिंग मेस बिल्स तो क्योंकि हर जगह इतनी इन्फ्लेशन हो रही थी तो मेस के बिल्स वर आल्सो ऑन अ राइज तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ने जो है प्रोटेस्ट किया अब आप देख सकते हैं चाहे आप कोई भी फेज उठा ली इंडिया का स्टूडेंट्स एक ऐसी चिंगारी रहे हैं जिन्होंने कंटिन्यूसली आवाज उठाई है जब भी अथॉरिटेरियन रजीम्स आए हैं तो ऐसी यूनिवर्सिटीज अक्रॉस उत्तर प्रदेश अक्रॉस डेली अक्रॉस गुजरात हर जगह जो है स्टूडेंट्स के अंदर ऐसी एक पैशन होना जरूरी है क्योंकि इसी के थ्रू जो है चेंज आता है अब ये प्रोटेस्ट जो है बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड हो गई गुजरात के अंदर और इन प्रोटेस्ट को वर्कर्स टीचर्स और बहुत सारे और ग्रुप्स ने भी ज्वाइन कर लिया कॉलिंग फॉर अ चेंज ऑफ गवर्नमेंट अब जेपी ने देखा ऐसे नौजवानों को गुजरात में और उन्होंने कहा दैट ये नई पॉलिटिक्स है राइट ये एक ऑल्टरनेटिव है टू इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एंड बहुत ज़्यादा पावर इन स्टूडेंट्स के हाथ में जिसके कारण हमें ये न्यू पॉलिटिक्स जो है इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा चेंज लाने के लिए अब इसी करप्शन को जो गवर्नमेंट कर रही थी उसको प्रोटेस्ट करने के लिए स्टूडेंट्स ऑफ बिहार ने भी अपनी मूवमेंट शुरू कर दी मार्च 1974 में और इन स्टूडेंट्स ने अप्रोच किया जेपी को तो जो कि उस दौरान पॉलिटिक्स से एक सेल्फ एग्जाइल ले चुके थे ठीक है उन्होंने कहा कि ये नई पॉलिटिक्स है ये करप्ट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स नहीं है तो आप आइए हम लोगों के साथ जुड़िए और इस मूवमेंट को लीड कीजिए एंड तब शुरू हुई द वेरी इंपॉर्टेंट जून फिफ्थ को संपूर्ण क्रांति दैट इज टोटल रेवोल्यूशन जेपी मूवमेंट को बिहार एजिटेशन बिहार स्टूडेंट एजिटेशन भी बुलाया जाता है और इसके अंदर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अनएम्प्लॉयड यूथ सर्वोदय एंड भूदान के वर्कर्स एक्टिविस्ट वर्कर्स जो कि नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टीज के थे ये सब ने इसको ज्वाइन किया इसके अलावा इवन प्रोफेशनल्स ने इंक्लूडिंग टीचर्स जर्नलिस्ट एडवोकेट्स एंड डॉक्टर्स भी इसका पार्ट बने और ये मूवमेंट के तीन मेन जो है टारगेट्स थे एक हाई इन्फ्लेशन ऑल करप्शन जो कि विटनेस कर रही थी गवर्नमेंट लेटर ऑन इन्होंने डायरेक्ट किया यही अपना जो प्रोटेस्ट है अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट और इन्होंने कहावेंचुअली दिस लेड टू आपका जेपी मूवमेंट प्लस जो आपका अलाहाबाद वर्डिट आया था इसके कारण इंडिया के अंदर एक बहुत ही डार्क पीरियड शुरू हुआ With the 1975 emergency, right? और ये emergency ने जो है इंडिया के डेमोक्रेसी के अंदर एक मेजर छाप छोड़ी हाउ एवर दिस एमरजेंसी कुड नॉट लास्ट अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड इंदिरा गांधी है इंदिरा गांधी की कांग्रेस लॉस्ट 1977 में एक मेजर रिजल्ट आया इन द इंडियन इलेक्शंस दैट इज जनता पार्टी जो कि इसी जेपी मूवमेंट का एक प्रोडक्ट थी इट कंसोलिडेटेड इट्स होल्ड ओवर अ नंबर ऑफ स्टेट्स एंड इवेंचुअली सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी uh, में भी इन्होंने अपनी एक गवर्नमेंट बनाई दो स्टेट्स में वेरी इंपॉर्टेंटली परमानेंट रिमूवल हो गया कांग्रेस का तमिलनाडु में वी सॉ द राइज ऑफ ए आई एंड वेस्ट बंगाल में सी ने कैप्चर कर ली पावर जेपी मूवमेंट का एक मेजर पर्सनल एंड इमोशनल इंपैक्ट भी रहा है ऑन अ नंबर ऑफ फ्यूचर लीडर्स ऑफ द कंट्री राइट इसी जेपी मूवमेंट के अंदर जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रही थी उसमें से अ नंबर ऑफ लीडर्स निकल के आए इंक्लूडिंग नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव सुशील कुमार मोदी एंड शरद यादव सारे के सारे जो कि तब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव थे और अपने आप को प्रोडक्ट ऑफ जे मूवमेंट बुलाते हैं इनफैक्ट आपकी जेडीयू जैसी पार्टी जनता पार्टी से फिर निकल के आई थी तो ये जेपी मूवमेंट ऑल अक्रॉस पॉलिटिक्स, सोसाइटी, इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ही मूवमेंट थी। घनश्याम शाह ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया इसी जेपी मूवमेंट पर जहां इन्होंने पे क्रिटिसाइज किया कि इस ऑफ़र नहीं किया आइडियोलॉजिकली इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं गांधी जी से बोरो की और बहुत लंबे लिस्ट ऑफ प्रपोजल्स भी बना दिए बट इन प्रपोजल्स को किस तरह से हम यू नो ट्रांसलेट करेंगे रियलिटी में किस तरह से जो है अबॉलिश की जाएंगी जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स है उनके रिगार्डिंग कोई प्रैक्टिकल एक्शन नहीं सजेस्ट किया बिपिन चंद्रा इन्होंने अपनी किताब इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी में और भी इम्पॉर्टेंट कुछ प्रॉब्लम्स हाईलाइट किए इन्होंने कहा था कि जेपी मूवमेंट के अंदर भी टेंडेंसी थी ऑफ टर्निंग सावर और ये क्यों थी क्योंकि इनकी लीडरशिप बहुत ही ज़्यादा अनऑर्गेनाइज थी जिसके कारण स्पोरेडिक इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस भी हुए देन जो आइडियोलॉजी थी ऑफ टोटल रेवोल्यूशन वो बहुत कोहेरेंट नहीं थी बल्कि बहुत ही ज्यादा फजी थी एंड साथ ही में इसकी डिपेंडेंस ऑन आरएसएस वाज आल्सो क्रिटिसाइज्ड बाय बिपिन चंद लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर के बारिक जो हैं ये भी एक मेजर क्रिटिक थे जेपी और जेपी मूवमेंट के जहाँ पे इन्होंने बोला कि इनकी की कोई भी आइडियोलॉजी नहीं थी जिसके कारण ये लंबे दौरान तक ये चल भी नहीं पाए राइट right? तो ये क्रिटिसिजम्स को भी आप अपने आंसर में इनकॉपरेट कर सकते हैं एक बढ़िया होलिस्टिक आंसर बनाने के लिए और जेपी और जेपी मूवमेंट राइट ये था हमारी तरफ से आपके लिए इंपॉर्टेंटली अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारी बीपीएससी की की आंसर राइटिंग सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं कोई भी अगर और टॉपिक होता है जिसके ऊपर आप यूरो uh, व्यूज जानना चाहते हैं इंपॉर्टेंट कुछ आइडियाज जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स भी बता सकते हैं एंड वी विल ट्राई टू मेक द नेक्स्ट वीडियो ऑन दैट